नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज़। रिश्तों को तार तार कर देने वाला एक और बड़ा मामला हरियाणा के पानीपत जिले से सामने आया है, जहां समालखा के एक गांव में रहने वाली कलियुग की मां ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 15 साल की सगी बेटी को संबंध बनाने का दबाव बनाया। दरअसल मां और उसका प्रेमी दोनों एकमत होकर किशोरी पर गंदी नजर रखते थे। किशोरी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 332, 344, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। मामले के 20 दिन बाद समालखा थाना पुलिस ने आज जींद से आरोपी कलियुगी मां को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें, पिता की मौत का एक वर्ष भी नहीं हुआ था और विधवा मां ने पहले अपने प्रेमी संग आशिकी चलाई और फिर उसी प्रेमी संग मिलकर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। समालखा थाना पुलिस ने दी शिकायत में एक गांव की 15 साल की किशोरी ने बताया कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है, उससे छोटा उसका एक भाई है। उसके पिता की 16 अक्टूबर 2021 को मौत हो गई थी। मां की जींद निवासी गांव झाजरू निवासी एक रेल कर्मी मनजीत के साथ संबंध है। सितंबर 2021 की दोपहर 2 बजे मनजीत गांव के अड्डे पर आया, उस दौरान छात्रा की तबीयत खराब थी। उसे गांव के अड्डे पर मां लेकर चली गई, जहां पर मनजीत बाइक पर सवार था। दोनों ने उसे बाइक के बीच में बैठा लिया। रास्ते में मनजीत किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। फिर मम्मी ने मेरे साथ एक आदमी से छेड़छाड़ करवाई थी और वो मेरे ऊपर दबाव डालती, इस लड़के से बात कर, तो इसके साथ गलत संबंध बनाओ, मेरे ऊपर बहुत दबाव डालती है और मैं इसे काम नहीं करना चाहती। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की थी और मेरी मम्मी भी साथ में थी। फिर आपने किसी को बताया? हाँ, मेरे ताऊ ताई से बताया था मैंने। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कार्रवाई हुई थी। वो लड़का फिर कभी आया आपके पास? नहीं, फिर नहीं आया वो लड़का हमारे पास। कौन है वो लड़का बेटा? मनजीत। कहाँ का रहने वाला है? छाजूगढ़ी का। आप क्या चाहते हो? आप उसकी कार गिरफ्तार की है वो हमने। आप अपनी माँ के लिए क्या करना चाहती हो? आपकी माँ के साथ क्या होना चाहिए? माँ भी गिरफ्तार होनी चाहिए। जिस पर वह रोने लगी। विरोध करने पर उसने उसकी माँ को और किशोरी को अड्डे पे वापस छोड़ दिया। वहीं किशोरी ने बताया कि उसके पास उसकी माँ और उसके प्रेमी की फोन की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें मनजीत महिला को कह रहा है कि वह किशोरी को नशे में अन्य प्रकार की गोलियां खिलाकर उसके पास ले आए। माँ ने अपने ही आशिक के कहने पर बेटी के साथ मारपीट की और दबाव बनाया कि वह उसके आशिक के साथ संबंध बनाए। वहीं किशोरी का कहना है कि पिता की मौत के बाद उसकी मां उसे घर में बंधक बनाकर रखती थी। कहती थी कि वह मनजीत को खुश कर दे, नहीं तो वह दोनों उसे जान से मार देंगे। हमारे पास 29 तारीख को दरखास्त प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने एलिगेशन लगाए थे अपनी मां के ऊपर और उसके आशिक के ऊपर कि जो उसकी माँ आशिक से बात करती है और उसको भी कहती है कि इसके साथ संबंध बनाने के लिए और उस पर छेड़खानी करने के लिए आरोप लगाए थे, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके उसे जो उसकी माँ थी आरोपी उसको आज गिरफ्तार किया है, जिसको Thank you.